गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल किसी ने बोला था एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझ में नहीं आया, तो देख लीजिए 7 से वापस जो कल डाले थे वही क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए एक बार। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू प्राइम नंबर हुज प्रोडक्ट इज द बिगेस्ट इवन लेस देन 16। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 16 से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा इवन नंबर है, ठीक है। अब कैसे होने चाहिए, एक तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो अपने ही टेबल में आते हैं और 2 से शुरू होते हैं, जैसे 2, 3, 4 नहीं आता, 5, 6 नहीं आता, 7 दिख रहा है, ठीक है, 7, 8 नहीं आता, 8 तो डिवाइड होता है 2 से भी 4 से भी, 9 डिवाइड होता है 3 की टेबल से, तो फिर 10 भी डिवाइड होता है 2 की टेबल से और 5 की टेबल से, 11 डिवाइड नहीं होता केवल अपनी टेबल से होता है, 12 डिवाइड होता है 2 से भी 4 से भी 3 से भी और 6 से भी, तो इसके बाद में है 13 जो कि अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, ऐसे ही 14 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 7 की टेबल से भी डिवाइड होता है तो नहीं आएगा, 15 3 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 15 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, यानी जो अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो रहा है तो वो आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 की टेबल के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, तो ये तो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को मैं सी से लिख रही हूँ, तो जैसे कंपोजिट में आ गया 4, 6, क्योंकि ये 4 के अलावा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, 13 इसमें 6 के बाद में आ गया 8, 9, 10, फिर 12 यहाँ पे आ गया प्राइम नंबर, 13 देखो इससे डिवाइड होता है, 14 जो है 2 से भी और 7 से भी डिवाइड होता है इसलिए कंपोजिट नंबर है, 15 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 5 की टेबल से भी डिवाइड होता है इसलिए कंपोजिट नंबर में आ जाता है, 16 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 8 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर उसके बाद में 17 देखो केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है, फिर 18 कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर है 19 जो कि अपनी ही टेबल से डिवाइड हो रहा है, 20 जो है 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 21 देखो 3 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है तो 21 भी नहीं है, 22 देखो 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसके बाद में है 23। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर हुए जो कि 2 की टेबल से डिवाइड ऑनली अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जो अपने अलावा कोई दूसरी टेबल से भी डिवाइड होते हैं। अब अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि ऐसे दो प्राइम नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आंसर जो है वो 16 से तो छोटा हो लेकिन प्राइम नंबर हो और साथ में उनका सम यानी उनको प्लस करने पर 16 से छोटा इवन नंबर आए। अब बात आती है इवन नंबर की, तो इवन नंबर आपको पहले बता रखे जो कि 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर भी देख लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28 इस तरह से ये सारे नंबर इवन नंबर है, ये सब नंबर 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो या तो ऐसे देख लो 2 की टेबल से या वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर आए तो वो सारे होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर होते हैं जिसमें वंस की प्लेस पे आता है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर अगर वंस की प्लेस पे आ जाए तो वो ऑड नंबर होते हैं। तो अब है हमें 16 से लेस देन 16 से छोटा हो बाकी सम ऑफ प्राइम नंबर का सम होना चाहिए एंड
बिगेस्ट, इसमें तीसरी शर्त क्या है, पहली शर्त है 16 से छोटा नंबर हो, दूसरी चीज है प्राइम नंबर का सम होना चाहिए, और थर्ड चीज है कि बिगेस्ट इवन नंबर हो, क्या हो, बिगेस्ट इवन नंबर हो। तो देखो 16 से छोटा, ये 16 है, 16 से छोटा नंबर जो है 15 आता है, लेकिन 15 देखो प्राइम नंबर में प्लस करने पर नहीं आ रहा, और 15 वैसे भी कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है, 16 से छोटा 15 आता है, लेकिन 15 जो है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो 15 से पहले और आओ तो 14 आता है जो कि इवन नंबर है। अब ये तो पता चल गया कि इवन नंबर कौन सा है, 14, बिगेस्ट इवन। अब 14 के ऐसे टुकड़े करो जो कि प्राइम नंबर हो, तो अपन 14 के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 7 × 2 = 14, तो यानी 7 × 2 और 7 कर दो, चाहे 7 × 2 कर दो, तो 2 × 7, तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, 2 × 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब मैंने आपको बताया ये रहे कंपोजिट नंबर जो कि अपनी टेबल के अलावा दूसरी टेबल से भी डिवाइड होते हैं, तो कंपोजिट नंबर जो है वो ऑड कंपोजिट नंबर होना चाहिए और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा है इसके अंदर आपका, जो कि साथ में बोल रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड और ऑड भी हो। तो देखो ये कंपोजिट नंबर है, 4 है इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, लेकिन 9 क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड हो और स्मॉलेस्ट हो और क्या बता रहा है, कंपोजिट नंबर हो। तो ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कितना हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 1। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 1 आता है, देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जबकि 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, 3। लेकिन यहाँ नंबर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कौन सा नंबर हुआ कि दो ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर जिनका डिफरेंस 1 आए, तो कितना हो सकता है, 3 और 2, ये दोनों नंबर है कम आपके प्राइम नंबर और इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करने पर, तो 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और 2, ऐसे प्राइम नंबर हुए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 3। दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो कितना आए, 3 आए। तो देखो 5 में से 3 माइनस करते तो 2 आता, लेकिन 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, या 7 में से 2, तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 के बाद में देखो ये एक एक चीज माइनस करते, चलो 3 में से 2 माइनस करते 1 आता है, 5 में से 2 माइनस करते तो 3 के बाद में देखो 4 5, 2 ही रह गया। लेकिन अगर 5 में से 2 माइनस करें, एक एक को माइनस कर करके आपको देखना पड़ेगा, 5 में से 2 माइनस करो तो 2 के बाद में 3 4 5, 3 नंबर आ गए, तो यानी कि डिफरेंस जैसे 5 में से आप 2, यानी ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के बीच का अंदर डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह आना चाहिए आपका 3। तो 5 और आपका प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 5 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 40 और 50। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसके अंदर, बिटवीन 40 और 50। ट्विन का मतलब है दो प्राइम नंबर, ठीक है, वो आ रहे हैं आपके 40 और 50 में। तो जरा इसको देख लीजिए समझने के लिए, इधर कर देते हैं,
40 के फैक्टर देखो, 40 के फैक्टर होते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 8 से डिवाइड हो रहा है, फिर 10 से डिवाइड हो रहा है, फिर 20 से डिवाइड हो रहा है, और फिर हो रहा है 40 से। अब आता है 50 का नंबर, तो 52 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद में 50 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, फिर हो रहा है 10 से, फिर है 10 5 50, और साथ में और किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 25 से, फिर 50 से, हो गया। अब आपको बोल रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच के अंदर ट्विन प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो दो बोल रहा है वो हम लिख सकते हैं कौन कौन से हैं, देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके ट्विन प्राइम नंबर हो गए कौन कौन से, 2 एंड 5। तो क्या लिख सकते हैं आप आंसर, सीधा यहाँ लिख देती हूँ फिर वहां से मिटा देंगे, 2 एंड 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ऑड नंबर, ऑड नंबर होने चाहिए और उनका सम जो है वो 30 होना चाहिए। पहला है सम ऑफ, इसको आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू ऑड नंबर, टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का प्लस करने पर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सम, जिसमें फर्स्ट बोल रहा है 30, दूसरा 30 है। आप 30 को देखो, आप ऐसे कौन से ऑड नंबर है जिनको प्लस करने पर आपके 30 आ रहा है, तो ये आपको कर करके देखने पड़ेंगे। और बात आ रही है इसमें प्राइम नंबर की, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर तो वही, साथ में आपको देखो उसमें लिखा हुआ है प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये रहे आपके प्राइम नंबर। अब इनमें से नंबर प्लस कर करके देखो कि 30 किसमें आ रहा है, आप जैसे 2 और 3 को करके देख लिया 5 आ रहा है, 2 और 5 को करके देखा 7 आ रहा है, 2 और 7 को करके देखा 9 आ रहा है, 2 और 11 को करके देखा तो 13 आ रहा है। इसी तरह से आप नंबर करके देखो, तो जैसे कि मैंने करके देखा हुआ है 13 एंड 17, कितना आ रहा है 13 प्लस 17, कितना हो गया 30 हो गया। ऐसे ही बी, बी है आपका 64। अब आप करके देखोगे तो आप ऐसे ही प्राइम नंबर सारे लिख लीजिए और फिर उसके बाद में एक एक को ऐड करके और पॉसिबिलिटी देखिए, संभावना देखिए इसमें कि कौन से दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनको मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर 64 आए। तो जैसे मैंने किया हुआ है तो 3 प्लस 61, क्योंकि 61 देखो अपनी ही टेबल में आता है, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता है, और 3 भी अपनी ही टेबल में आता है। दूसरी चीज 61 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, यानी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 64। सी, सी में है क्वेश्चन 98। अब ऐसे ही आप ये इधर से प्राइम नंबर, मैंने बोला 100 तक लिख लो, अब 100 तक लिखने के बाद में आपको 98 में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, जैसे कि 19 आपका प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, प्लस 79 आपका प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, 9 और 9 18। आप ऐसे नंबर भी देख लिया कीजिए, जैसे कि आपकी ट्रिक एक छोटी सी होती है, जैसे 9 और 7 16 6 होता है, तो ऐसे नंबर आप केवल प्लस करके देखिए, जैसे 9 और 9 18 18 की पॉसिबिलिटी कौन कौन से नंबर में होती है वंस में, एक तो 7 और 1 वाले में, 1 कंपोजिट नंबर होता नहीं है, ठीक है, तो ये और प्राइम नंबर होता नहीं है, लेकिन 11 होता है, तो जैसे 7 वाला नंबर जिसमें वंस की प्लेस में हो और वंस की प्लेस में 1 वाला नंबर हो तो 8 आएगा, इसके अलावा एक वंस की प्लेस में हो आपका 9 नंबर हो, तो जैसे 9 और 9 18 हो जाता है, तो मैं यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं अपन कि 8 वाला नंबर आपको 9 से मिल सकता है, तो ये आपके हो गए 98। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
थर्टीन हो गया ना, 12 पूरा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम नंबर। अब इसमें आपको बोल रहा है को प्राइम नंबर, एक सेकेंड आपको दिख रहा है इसमें, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में आपको नंबर दे रखे हैं, पहला फर्स्ट है 18 एंड 35, ठीक है। अब इसका हम देखें को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इनके फैक्टर कर कर के देख लो कि फैक्टर में अगर कोई भी वन की टेबल के अलावा और किसी टेबल से वो डिवाइड नहीं हो रहे, कोई भी दोनों नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनके फैक्टर, तो वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिखा 18 का आपको पता है वन तो फैक्टर होता ही होता है, क्योंकि वन से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। टू से डिवाइड हो रहा है 18, देख लो 18 किस किस से डिवाइड हो रहा है। थ्री से 18 डिवाइड हो रहा है, सिक्स से 18 डिवाइड हो रहा है, और नाइन से 18 डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में और देखो आप किससे डिवाइड हो रहा है, तो नाइन आधा आ गया ना, हाफ आ गया, तो यानी अब सीधा जाएगा 18 से डिवाइड। अब आ जाइए 35 की बात करें तो वन, फिर फाइव से डिवाइड होगा, सेवन से डिवाइड होगा, और 35 से डिवाइड होगा। आप कर करके देख सकते हैं, क्योंकि अब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको करके देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अब 18 और 35 देखो कहीं भी कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा वन के अलावा, जहां फैक्टर में वन के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलता है वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी 18 और 35 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। अब इसी में सेकेंड बोल रहा है इसका कौन सा, 27 एंड 36। तो देखो सबसे पहले मैं 27 के करूं फैक्टर, 27 वन से डिवाइड हो रहा है, थ्री से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद में देखो और किससे डिवाइड हो रहा है, थ्री के अलावा फोर में नहीं आता, फाइव में नहीं आता, सिक्स में 27 नहीं आता, सेवन में नहीं आता, एट में नहीं आता, नाइन में आता है 27, फिर 11, 12, 13 नहीं जाता, 14 नहीं आता, तो फिर अब 27 जाएगा अपनी टेबल में, क्योंकि हाफ होता है 13 और 14 के बीच में, तो ना तो 13-2 जा रहा नहीं 14-2 जा रहा, तो फिर इसका मतलब है अब 27 खुद की टेबल में जाएगा। ऐसे ही 36 देख लीजिए, 36 वन से, टू से, थ्री से, फोर से, 4 9 36 होता है, फाइव से नहीं जाता, सिक्स से 36, सेवन से नहीं जाता, एट से नहीं जाता, नाइन से 45 हो जाता है, लेकिन 9 से जा रहा है, उसके बाद में 10 से नहीं जाता, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से डिवाइड हो रहा। आप करके देख लीजिए टेबल बोल बोल के देख लीजिए, 12 से 12 3 होता है, 12 के बाद में सीधा देखो 13 में नहीं जा रहा, 14 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, 16 में नहीं जा रहा, 17 में नहीं जा रहा, 18 में 36 आता, और 18 इसका हाफ हो गया, आधा हो गया, तो यानी अब सीधा जाएगा 36 में। अब जरा इसका कॉमन देख लीजिए, कोई भी नंबर ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो देखो यहाँ पे 1 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, दो मिल गए फैक्टर, ठीक है। अब जब इतने फैक्टर मिल गए, यानी 1 के अलावा दूसरे फैक्टर भी हमारे कॉमन आ रहे हैं इनके अंदर, तो इसका मतलब है ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नो इट इज नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका 10 एंड 21। अब मैं वही सामने ही करूंगी क्योंकि फिर नीचे का आपको दिखेगा नहीं। 10 जो है वो देखो 1 की टेबल से, 2 की टेबल से, 5 की टेबल से और 10 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। अब बात करें 21 की, तो 21 1 की टेबल से, 3 की टेबल से, 7 की टेबल से, और किसकी 7 3 21 होता है,
इसके बाद भी सीधा आ रहा है 21 अपनी ही टेबल में। तो अब दोनों में देखो क्या आ रहा है, ओनली वन मिल रहा है। तो जिनमें केवल वन फैक्टर मिले कॉमन वो को प्राइम नंबर है। तो ये क्या आएगा, को प्राइम नंबर हुआ, को प्राइम नंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम कल यहाँ तक कर चुके थे। अब नेक्स्ट है राइट 221 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये बोल रहा है कि 221 को टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। 221 किस रूप में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू, ऑड नंबर भी नहीं है इसमें, सिर्फ बोला है टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर ऐसे हो जिनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 221 हो। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे देख लीजिए इधर मल्टीप्लाई करके वंस का, 3 2 6, 5 3 15, 7 5 35, वंस में 5 आया, 1 7 7, अपने को वंस में चाहिए 1। तो यहाँ वंस वाले नंबर देख लीजिए, जैसे 3 को 2 से क्या, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 5 आ रहा, 3 7 21। तो एक नंबर तो ये आ रहा है 7 × 13, जिसमें वंस की प्लेस पे 21 होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लेकिन 13 7 63 कम आ रहा है नंबर। तो और देख लीजिए दूसरा, दूसरा नंबर होगा ये 17 और 13। 17 और 13 में आपको करके अगर आप देखोगे तो देखो कितना आ रहा है, 7 3 21। तो ये पॉसिबिलिटी पूरी बन गई अपनी कि वंस की प्लेस पे आएगा। अब 13 × 17 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 17 3 51, कैरी 1 17 1 17 17 में 5+ कीजिए कितना आ रहा है, 2 2 1। तो ये क्या हो गया है, प्राइम नंबर 13 × 17। इसका आंसर कितना आ रहा है, 221। सो आंसर कितना आ गया, 13 और 17। ये ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन